जो अब अंतिम चरण में है, जहां सुरंग से 41 मजदूरों को निकालने का ऑपरेशन फाइनल राउंड में समय बताया जा रहा है। केवल 6 मीटर की बाधा बची है, लेकिन रेस्क्यू टीम फूंक कर कदम रख रही है, संभल संभल कर आगे बढ़ रही है। थोड़ी देर पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने सुरंग में फंसे मजदूरों से बात की, उन्होंने मजदूरों को रेस्क्यू के बारे में बताया, उन्हें भरोसा दिलाया कि जल्द ही उन्हें सकुशल निकाल लिया जाएगा। हाँ गब्बर सिंह जी, मैं पुष्कर सिंह धामी बोल रहा हूँ। राम राम, कैसे हैं आप लोग? अच्छा, चलिए भाई, बहुत हम लोग बिल्कुल पास पहुँच गए हैं, और बड़ी आप लोगों की हिम्मत है, और बहुत ही आप लोगों के लिए सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ, और हम लोगों को उम्मीद भी है। मैं भी रात से आ गया हूँ, जनरल साहब भी आ गए हैं यहाँ पर, और प्रधानमंत्री जी रोज आप लोगों के बारे में रोज चिंता कर रहे हैं, रोज अपडेट लेते हैं मुझे सवेरे 7 बजे। आज भी अभी आया है, अभी बताया है, बिल्कुल 45 मीटर से आगे हम लोग आ गए हैं, और मुश्किल से 10 मीटर और आना है। बीच बीच में क्या है कि सरिया वगैरह आ जा रही है ना, ये तो हाँ, तो आप लोगों को पता ही है, थोड़ा सा ये है कि हिम्मत बता के, और किसी सबकी तबीयत वगैरह अच्छी ठीक है ना वहाँ पर? चलिए, नहीं नहीं चिंता एक्चुअली में नहीं, बहुत सब लोगों की दुआ है कि जल्दी से जल्दी सब लोग बाहर आ जाएंगे। हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, और यहाँ पर सारी चीज़ें एम्बुलेंस की व्यवस्था कर रखी है बाहर, जैसे आप लोग बाहर आएंगे अस्पताल की व्यवस्था है, उसके अलावा जो भी सब इंतजाम हो सकते हैं वो सारे के सारे हम लोग कर रहे हैं। और अभी प्रधानमंत्री जी को मैंने बताया है कि उन्होंने कहा कि भाई कब तक क्या संभावना है, मैंने कहा बहुत जल्दी की संभावना है और हो जाएगा, है ना? हाँ, सब लगे हैं बिल्कुल, यहाँ हेलीकॉप्टर वगैरह भी सब व्यवस्था कर रखी है, अगर किसी को बाहर आते कोई मेडिकल वगैरह की भी ज़रूरत पड़ेगी तो उसके लिए भी हम लोग सब व्यवस्था कर रहे हैं। तो ठीक है, सबका ध्यान रखिए, और बिल्कुल जो है बस जल्दी से जल्दी आपको भगवान की प्रार्थना करनी है हम लोगों को कि जल्दी से जल्दी, बाकी एक्सपर्ट लोग और जितने भी हमारे टेक्नीशियन हैं, ये इंजीनियर हैं, सब अपना काम कर रहे हैं, ठीक है ना? उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों तक पहली बार पाइप पहुंचा, अगले कुछ घंटों में फंसे लोग बाहर आ सकते हैं। इस अभियान में सेना के 100, आईटीबीपी के 150, एसडीआरएफ के 100 जवान, इसके अलावा 20 भारतीय, 10 विदेशी एक्सपर्ट लगे हुए हैं। अब आपको इस ऑपरेशन की जानकारी से भी हम खबरदार कर दें, सिलक्यारा गेट से अमेरिकी ऑगर मशीन से खुदाई की गई, ये मशीन सुरंग में 2 मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली। टनल के बाहर 30 एम्बुलेंस, 40 डॉक्टर तैनात हैं। सुरंग से 4 किलोमीटर दूर हेलीकॉप्टर तैयार है। एनडीआरएफ के जवानों को पाइप के अंदर जाने, सुरंग में फंसे लोगों के बचाव और राहत के लिए 2 दिन से ट्रेनिंग दी जा रही है। एनडीआरएफ के जवान अंदर जाकर मजदूरों को बाहर निकलने की ट्रेनिंग देंगे, फिर उन्हें बाहर निकाला जाएगा। पाइप के दूसरे छोर पर तैनात जवान रस्सी से उनको बाहर खींचेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित भारद्वाज इस समय सीधे घटनास्थल से ही जुड़े हुए हैं। अमित, कल रात से ही हम इस बारे में चर्चा कर रहे हैं कि शायद किसी भी वक्त वो खबर आ सकती है, लेकिन कुछ चीजें, कुछ बाधाएं होती हैं जो अप्रत्याशित हैं। आखिरी 6 मीटर अब आप कह रहे हैं। बिल्कुल श्वेता, देखिए लगातार कल भी जब हम रात में चर्चा कर रहे थे तो उम्मीद यही थी कि देर रात कहीं जो बीच में ऑब्स्ट्रक्शंस आ रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, उससे निपटारा करने के बाद जो 2 पाइपलाइंस को इंस्टॉल करना है वो काम पूरा हो जाएगा, और उसके बाद एनडीआरएफ की टीम और जो बाकी फोर्सेज रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए बुलाए गए हैं उन लोगों को अलर्ट कर दिया जाएगा, उनको रेस्क्यू ऑपरेशन हैंडओवर कर दिया जाएगा। लेकिन स्थिति लगातार खराब होती रही, जो आयरन ऑब्स्टिकल था उसको हटाने में 6 घंटे से ज्यादा का समय लगा, ऑक्सीजन की कमी थी, इसलिए जो एनडीआरएफ के जवान या बाकी लोगों को का स्किल, मैनुअल स्किल सेट इसमें इस्तेमाल किया गया था, उन लोगों को सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी जब वो आयरन ऑब्स्टिकल्स को हटा रहे थे। उसके बाद कुछ और मूवमेंट्स की बात भी हमें बताई जा रही है कि जिस तरह से ड्रिलिंग मशीन चल रहा था उसकी वजह से जो मलबा है उसमें मूवमेंट देखने को मिला था, इसलिए अब हर कदम जो रखा जा रहा है वो फूंक फूंक के रखा जा रहा है। आपको ध्यान हो श्वेता, आज सुबह सुबह कुछ एक्सपर्ट्स को एयर
लिफ्ट करके उत्तरकाशी लाया गया है, उसमें से एक एक्सपर्ट रुड़की से हैं जिनका काम यही है अब कि जो पूरा ऑपरेशन चल रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, चाहे वो ड्रिलिंग का काम हो या ऑगर मशीन जो चलेगी, उसकी वजह से सिस्मिक मूवमेंट कितना होगा, कितना वाइब्रेशन क्रिएट हो रहा है, उसको लगातार वो मॉनिटर करते रहेंगे और वो एक कंट्रोल्ड मैनर में ही अब यहां से किया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि जो काम का प्रोसेस है, पाथ हमको पता है, कैसे वहां तक पहुंचना है वो पता है, लेकिन इसकी स्पीड बहुत ही कम रखी गई है। नियंत्रित रूप से इसको धीरे 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 आगे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि खतरा यही है कि अगर फिर से कोई लोहे का ऑब्स्टिकल आता है और उसमें आपका ऑगर मशीन जाके उसका ब्लेड टकराता है तो टूटने का डर होता है, या आप तेज रफ्तार से ड्रिलिंग करते हैं तो मलबा फिर से अगर भरभरा के गिरने लगेगा तो पूरा का पूरा काम जो 12 दिनों का है वो खराब हो जाएगा। और खासतौर पर जो 3 दिनों में हमने मैसिव डेवलपमेंट किया है वो भी खोने का डर रहता है। इसीलिए फूंक कर कदम रखा जा रहा है और पूरे देश की जो प्रार्थनाएं हैं वो उन सभी मजदूरों के साथ हैं जो इस समय टनल में फंसे हुए हैं। बहुत शुक्रिया अमित, हम वापस लौटेंगे आपके पास। पर अब हम दिल्ली की खबर से आपको खबरदार करते हैं। दिल्ली में देश को हैरान करने वाला हत्याकांड हुआ है। दिल्ली के वेलकम इलाके में 16 साल के एक नाबालिग ने महज 350 रुपए लूटने के लिए 18 साल के एक लड़के का कत्ल कर दिया। कत्ल के बाद वो शव के चेहरे, सिर, गले पर ताबड़तोड़ चाकुओं से वार करता रहा। यही नहीं, शव के सामने चाकू लहराते हुए डांस करता नजर आया। जब शोर सुनकर आसपास की महिलाएं बाहर निकली तो वो सबको डराने के लिए चाकू फिर लहराने लगा। आरोपी नाबालिग को पकड़ लिया गया है, उसके पास से कत्ल में इस्तेमाल चाकू भी बरामद हो गया है। दिल्ली में लूट के लिए मर्डर करने वाले इस दरिंदे ने लाश को करीब 20 से 25 मीटर तक घसीटा, जिसके निशान अभी तक बने हुए हैं। हिमांशु मिश्रा की ये रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के वेलकम इलाके में। इस इलाके का एक सीसीटीवी वायरल हो रहा है, जिसमें एक हत्या, एक 16 साल का नाबालिग लड़का एक 17 साल के लड़के की हत्या कर रहा है, लगातार चाकुओं से वार कर रहा है। वो वारदात देखा, जिसने भी उस सीसीटीवी को देखा वो दहला देने वाला सीसीटीवी है, क्योंकि जिस तरीके से चाकुओं का वो वार कर रहा है, आसपास जो लोग नजर आ रहे हैं उन्हें धमका रहा है और फिर डांस भी कर रहा है। यहां बॉडी पड़ी है, चाकू से वार कर रहा है, फिर उठ रहा है, डांस कर रहा है, फिर उसके बाद चाकू मारने लग रहा है। ये वारदात सोमवार रात तकरीबन 11:15 की है। ठीक इसी जगह पर ये जो सामने सीसीटीवी आप कैमरा देख रहे हैं, इस कैमरे में जो कैद हुआ है, इस कैमरे के हिसाब से वो जो लड़का है वो एकदम खून से लथपथ एक युवक की बॉडी, क्योंकि उस वक्त तक उसमें जान नाम मात्र की ही शायद अगर बची होगी तो बची होगी, उसे खींचकर वो इस तरफ लेके आता है और उसके बाद ठीक यहां पर वो उसके गले पर चाकुओं का वार करने लगता है। अचानक सामने की तरफ से कुछ लोग शायद बाहर निकल कर आते हैं, वो उनको डराता है चाकू से, वो लोग हट जाते हैं, फिर वो चाकू मारने लगता है। इसके बाद वो उठता है, उठ करके वो डांस करने लगता है, फिर वो खींच करके बॉडी इधर लाता है, फिर उस पे चाकू मारने लगता है। इतने पर जब उसका मन नहीं भरता तो वो फिर अपने पैर से चेहरे पर लगातार वार करता है, कई वार करता है और उसके बाद फिर से लोगों को डराता है, धमकाता है, फिर वो बॉडी खींच के इस गली में अंदर की तरफ चला जाता है। जब शोर सुनकर आसपास की महिलाएं बाहर निकली तो हत्यारे ने सबको डराने के लिए चाकू को लहराया, चाकू लेकर दूसरी तरफ चला गया। फिर से चाकू से वो उस अपने जो जिसकी हत्या उसने की उसको गोदता रहा, चिल्लाता रहा, लोगों को डराता रहा। खौफनाक वारदात को अंजाम देते वक्त क्या कह रहा था वो और क्या इलाके के लोगों को डर है सुरक्षा को लेकर के, यहाँ पे महिलाएं हैं। आपने इसके पहले इस तरीके की कोई वारदात यहाँ पर देखी? कभी नहीं। कभी पुलिस इन गलियों में घूमती है? कभी नहीं हुआ। तो उस वक्त जब वो कर रहा था तो आप लोग यहीं पर थे? नहीं, अंदर थे। तो जब बाहर आपने शोर सुना, कैसे पता लगा? बाहर तो वो मार चुका था। क्या कह क्या रहा था वो? मैंने मार दिया, अपनों में जेल में जाऊंगा, यही कह रहा था। और क्या नशे में लग रहा था? जी, नशे में था। और जो खबरदार में आज के लिए इतना ही। पर ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि दिल्ली में
साहित्य आज तक का मंच 24, 25 और 26 नवंबर को सजने वाला है। कला और फिल्मी दुनिया की एक से बढ़कर एक हस्तियां हमारे बीच आएंगे।